हेलो फ्रेंड, आप सभी को ठीक है चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और आप सभी को जैसा कहा गया था फ्रेंड कि स्क्रैपर से टॉप 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, तो चलिए आप सभी को टॉप 10 क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं फ्रेंड। तो क्योंकि DRDO में बहुत कम समय है, इसलिए आप सभी को बहुत जल्द से जल्द क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं फ्रेंड। तो आप सभी को स्क्रैपर्स के बारे में जैसे बताया गया था, तो आप सभी को क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड। तो चले, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए बेहद जरूरी है फ्रेंड। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए फ्रेंड, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये DRDO के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप सभी प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि एग्जाम में आप सभी को आने वाले हैं। ठीक है, इसमें से एक से दो प्रश्न आ भी सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जितने भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड, आप सभी को DRDO के लिए चैप्टर के लिए, और तो आप सभी को अच्छे से करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है फ्रेंड कि खरोचनी, ठीक है, यानी स्क्राइबर्स बनाने का पदार्थ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में फ्रेंड माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी में हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी में ब्रास, ऑप्शन डी में कास्ट आयरन। तो खरोचनी बनाने का जो पदार्थ होता है फ्रेंड स्क्रैपर्स, वो होता है हाई कार्बन स्टील। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, लगभग सभी एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप सभी को ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी मिस ना करें फ्रेंड, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप सभी को मेरिट से हाई मेरिट बनाने वाले हैं फ्रेंड। ठीक है, और आप सभी का सिलेक्शन भी करने वाले ऐसे ही ऐसे प्रश्न हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को छोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर टू ये बोला है फ्रेंड कि बड़े वृत्त। फ्रेंड आप सभी क्वेश्चन देख के तो खुश हो गए होंगे, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न चुन के एकदम लाया जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, और जो भी इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे फ्रेंड। आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, चैनल पर आप सभी के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, DRDO के लिए स्पेशलिस्ट फ्रेंड। ठीक है, DRDO इसरो के लिए भी जो तैयारी करते होंगे, आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर टू ये बोल रहा है कि बड़े वृत्त या चाप, ठीक है, की मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में फ्रेंड ऑप्शन ए में बैंड स्क्राइबर, ऑप्शन बी में डिवाइडर, ऑप्शन सी में ट्रेमल, ऑप्शन डी में बेवल प्रोटेक्टर। तो बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड NCL में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को ऐसे प्रश्न एकदम खोज के प्रश्न लाया जा रहे फ्रेंड। ठीक है, ताकि आप सभी को कैसे भी सिलेक्शन दिलवा सकें। ठीक है, मेरे हाथ में तो नहीं फ्रेंड, हम अपने तक जहाँ तक तो कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को सिलेक्शन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर। सरफेस प्लेट बनी होती है, सरफेस प्लेट बनी होती है, तो ऑप्शन ए में सघन तंतु ढलवा लोहा का, ऑप्शन बी में ग्रेनाइट, ऑप्शन सी में ग्लास, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो सरफेस प्लेट जो बनी होती है फ्रेंड, वो सघन तंतु ढलवा लोहा का भी बना होता है, ऑप्शन बी में ग्रेनाइट जो है उसका भी बना होता है, और सी जो है फ्रेंड ग्लास इसका भी बना होता है। जो सरफेस प्लेट है वो सभी के बने होते हैं, तो आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप सभी फ्रेंड अच्छे से मेहनत करें ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो, और जरूर होगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर ये बोला है फ्रेंड कि निम्न में से एंगल प्लेट का कौन सा प्रकार है? तो फ्रेंड जो ऑप्शन रहा आपका फ्रेंड, ऑप्शन ए में सॉलिड एंगल प्लेट, ऑप्शन बी में एडजस्टेबल एंगल प्लेट, ऑप्शन सी में बॉक्स टाइप एंगल प्लेट, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो आपका आंसर रहा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, सॉलिड एंगल प्लेट भी इसका यूज किया जाता है, एडजस्टेबल एंगल प्लेट का भी, और बॉक्स टाइप एंगल प्लेट का भी। ठीक है फ्रेंड, तो आप सभी अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेंड आप सभी के लिए एक है कि आप क्वेश्चन को रिवीजन करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड। ठीक है, रिवीजन ही हमारे लिए एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में मार्क्स अगर अच्छे लेने फ्रेंड, तो आपको रिवीजन रोज करना ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फाइव ये बोला है फ्रेंड कि एंगल प्लेट की दोनों साइडों पर बने आर पार स्लॉटों का निम्न में से क्या कार्य है? तो एंगल प्लेटों की दोनों साइडों पर बने आर पार स्लॉटों का निम्न में से क्या कार्य है फ्रेंड? ऑप्शन ए में बोल्ट को स्थान देने के लिए, ऑप्शन बी में वर्कपीस को स्थान देने के लिए, ऑप्शन सी में वर्कपीस को सेट करना, ऑप्शन डी में एंगल प्लेट की सुंदरता बढ़ाना। तो आपका आंसर रहा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोल्ट को स्थान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट। ये बोला है फ्रेंड कि स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का झुकाव कौन रखा जाता है? ये प्रश्न आप सभी को DRDO सेप्टेम्बर 9 में ये प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड। ठीक है, स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का झुकाव कौन रखा जाता है? ऑप्शन ए में 20 से 30 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन बी में
30 से 40, ऑप्शन सी में 40 से 60, ऑप्शन डी में 50 to 70, ठीक है फ्रेंड। तो आपका आंसर रहा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 30 to 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। और आप सभी को सुपर 10 क्वेश्चन दिया जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। जो भी टॉप 10 क्वेश्चन है आप सभी को एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए प्रश्न है फ्रेंड। आप सभी अगर विश्वास नहीं होता है तो आप सभी क्वेश्चन को मिला लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9। इंजीनियर वॉइस का साइज किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए में लेंथ ऑफ मूवेबल ज्वाइंट फ्रेंड, ऑप्शन बी में विथ ऑफ जा, ऑप्शन सी में हाइट ऑफ वॉइस, ऑप्शन सी में मैक्स ओपनिंग, ठीक है। तो फ्रेंड ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेंच वाइज से एक प्रश्न, एक से दो से तीन प्रश्न रहते हैं फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि उसका बेंच वाइज का जितने भी पार्ट्स होते हैं आप सभी को वो क्लियर करना होगा, क्योंकि उसमें से एक से दो से तीन प्रश्न आप सभी को आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि 80 मार्क्स का जो प्रश्न है फ्रेंड यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फ्यूटर टर्नर मशीनिस्ट का प्रश्न ऐसे ही, ऐसे प्रश्न को एक से दो तीन चार प्रश्न ऐसे यहां से उठा के दे देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो आप सभी को ऐसे प्रश्न कर लें ताकि आपका एग्जाम में कुछ भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपका आंसर रहा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विथ ऑफ जा। ये एग्जाम के लिए लगभग फ्रेंड एग्जाम में ये प्रश्न देखने को आते ही हैं, ठीक है। आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी वाशर को निश्चित रूप से व्यक्त किया गया है, ठीक है। किसी वाशर को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। तो आपका आंसर रहा ऑप्शन ए में मानक व्यास यानी नॉमिनल डाया, ऑप्शन बी में वाशर की मोटाई यानी थिकनेस, ऑप्शन सी में वाशर के बाह व्यास यानी आउटर डाया, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपका जो आंसर रहा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए मानक व्यास नॉमिनल डाया। ये भी प्रश्न आप सभी को आया हुआ ही है, ठीक है, एनसीएल में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि जो भी इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे फ्रेंड, ठीक है। आप सभी का सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशनल हो सकता है, ठीक फ्रेंड, ठीक है, धन्यवाद।